नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मनी मेकर्स में। आज हम बात करेंगे निफ्टी के इंट्राडे के टारगेट्स के बारे में और कैसे निफ्टी रिएक्ट करने वाला है आने वाला वीक में। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं वो सारे स्ट्रेटजीज रिलेटेड है। आप वहाँ पे जाके आप लर्न कर सकते हो स्ट्रेटजीज को। कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का। उसी के साथ साथ फेसबुक और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और आपको लाइफ टाइम क्वालिटी सर्विस चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप इन वीडियोस के नीचे जाके डिस्क्रिप्शन से अकाउंट ओपन कर सकते हो। एलाइस ब्लू की अकाउंट ओपनिंग की डिटेल्स वहाँ पर दी हुई है। लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर कर दीजिए अपने आप को और मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, मेरी टीम आपका अकाउंट ओपन कर देगी। ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल स्टॉक मनी मेकर्स। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलेगा। आपको वहाँ पे फ्री कॉल्स मिलेंगे, बैंक निफ्टी के हेजिंग के कॉल्स आपको मिल सकते हैं और बैंक निफ्टी की हेजिंग सर्विस हमारी आपको मोर देन 10% रिटर्न दे सकती है। तो आप डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अस। चलिए चार्ट पे जाते हैं। आप देख सकते हो निफ्टी के बारे में मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ कि निफ्टी इंट्राडे में कैसे रिएक्ट करेगा मंडे को और उसका जो आने वाला वीक है क्या टारगेट रहेगा, क्या सपोर्ट रहेगा। डेली चार्ट एंड वीकली चार्ट पे मैं बात कर रहा हूँ। इंडेक्स ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म किया है डेली चार्ट्स पे एंड नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल फॉर्म हुआ है वो 10,850 का है और 10,800 जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। अगर मार्केट जो क्लोजिंग हुआ था 946 पे, अगर मैं डेली चार्ट पे देख रहा हूँ तो 946 का क्लोजिंग दिखा रहा है। ओके, इसने हाई बनाया था फ्राइडे को, 957 का हाई बनाया था। तो अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके 11,000 का गिरता भी है तो एक टारगेट है हमारा डाउनवर्ड में 10,850 और दूसरा टारगेट है 10,800। निफ्टी ने वापस 10,900 लेवल का रिकवर किया है ऑन क्लोजिंग बेसिस ऑन सितंबर 6 एंड उससे क्रॉस किया है 5-day एंड 13-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। इंडेक्स ने जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म किया है उसका नेकलाइन 11,150 है। आप देख सकते हो ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है उसका जो नेकलाइन हम बोल रहे हैं वो 11,150 है। मतलब कि 11,150 क्रॉस होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। तो मंडे को हम देख सकते हैं अगर मार्केट 11,000 पे ओपनिंग हो रहा है तो 11,150 लेवल के तरफ वो बढ़ेगा और वो कब तोड़ पाता है वो देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे अगर मार्केट 11,000 के ऊपर ही क्लोजिंग बेसिस देता है तो ऑब्वियसली आने वाले दिनों में ये 11,150 तोड़ सकता है, लेकिन निफ्टी का क्लोजिंग पॉजिटिव होना चाहिए उसके लिए। इंडेक्स ने तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म किया है डेली चार्ट पे। अभी देखते हैं हम वीकली चार्ट पे कौन सा पैटर्न फॉर्म किया। आप देख सकते हो हम वीकली चार्ट पे आ चुके हैं निफ्टी के, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडेक्स ने हैमर पैटर्न फॉर्म किया है ऑन वीकली चार्ट्स जो कि बुलिश बायस है। मतलब ये एक बुलिश सिग्नल है इंडेक्स के लिए वीकली चार्ट पे हैमर पैटर्न का। और इस हिसाब से जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक नेकलाइन 11,000 और 11,150 का जो टारगेट है निफ्टी का अपर साइड में, अगर निफ्टी 11,000 तोड़ता है, मतलब रेजिस्टेंस है उसका 11,000, अगर वो तोड़ देता है 11,000 तो नेक्स्ट टारगेट हम 11,150 पकड़ेंगे और 11,150 ब्रेक होना बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। लॉन्ग पोजीशन तभी इनिशिएट कर सकते हैं अगर इंट्राडे में निफ्टी 11,150 को क्लोजिंग बेसिस पे देता है। अगर निफ्टी 11,150 पे क्लोजिंग नहीं दे रहा है किसी भी इंट्राडे में आने वाले वीक में, अगर आप मान लीजिए ट्यूसडे या वेडनेसडे तक निफ्टी 11,150 क्लोजिंग बेसिस पे नहीं देता है तो हम कोई लॉन्ग इनिशिएट नहीं करते। लेकिन अगर वो दे देता है 11,150 क्लोजिंग बेसिस पे तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट वो सीधा रहेगा 11,400 और 11,500। यानी 11,150 बहुत ही स्ट्रांग लेवल है। अगर जैसे ही ये टूटेगा वहाँ से आपको 300 पॉइंट का अप मूव मिल सकता है। FII ने मोर देन 5,000 करोड़ का पुल आउट किया सितंबर में अभी तक के लिए। अभी तक उसने करीब 5,000 करोड़ का इक्विटी कैश में से पुल आउट किया है, लेकिन जो कि सेंटीमेंट्स को देखकर लग रहा है कि वर्ल्ड स्टॉक्स रिबाउंड हो रहे हैं।
जैसे कि बाकी यूरोपियन मार्केट्स एंड अदर मार्केट, एशियन मार्केट, सभी को देख के लग रहा है कि स्टॉक्स एक अपने लेवल से रिबाउंड हो रहे, रिकवर हो रहे, और FII कभी भी अपनी बाइंग स्टार्ट कर सकता है। गुड न्यूज़ ऑन ट्रेड वॉर बुल्स को वापस ला सकता है ग्लोबल एंड लोकल इक्विटी मार्केट में। तो आप सभी अपने पोजिशंस को एक इंट्राडे लेवल पे 10,850 का स्टॉप लॉस रख के ट्रेडिंग कीजिए 11,000 के टारगेट के लिए। मुझे लगता है मंडे को 11,000 आपका शायद गैप अप भी ओपन हो सकता है, तो उस हिसाब से आप ट्रेडिंग कीजिए। और 11,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है या 950 के ऊपर मार्केट आपका सस्टेन कर रहा है, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 11,150 होना चाहिए, और सेकेंड टारगेट आपका 11,400 होना चाहिए, और थर्ड टारगेट 11,500। ओके, सो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से हमारी बैंक निफ्टी के कॉल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएंगे, और मैं प्रॉफिट स्क्रीनशॉट भी शेयर करता हूँ अपने क्लाइंट्स के, मैं कॉल्स के स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। आप वहाँ पर हमारी हेजिंग सर्विस को ज्वाइन कर सकते हो मुझे इन्फॉर्म करके। अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए हमारे अंडर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारे ग्रुप्स की लिंक आपको मिल जाएगी। Thank you, have a nice day, happy trading, happy investing.